the Lord God of my dream. जय मसीह की। मेरा नाम शाविया है, मैं दिलसुख नगर से आई हूँ। मैं JCNM पिछले एक साल से आ रही हूँ। मुझे पिछले 16 साल से माइग्रेन था, बहुत दर्द होता था और मैं मर जाना चाहती थी। ऐसे में एक साल से JCNM आने के बाद मैंने बहुत कुछ जाना और बहुत प्रार्थना में समय बिताने लगी। प्रार्थना में समय बिताने के बाद माइग्रेन ही नहीं, मुझे सर दर्द भी नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ब्रदर श्याम जी का धन्यवाद हो। थैंक यू। मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं मलकाजगिरी से आता हूँ। मैं 2 साल से इस संस्था को आ रहा हूँ। मुझे 20 साल से शुगर था, 10 साल से SLE था। मैं जब से इस संस्था को आता था तब पास्टर जन समूह में आकर प्रार्थना करते थे। मैं सोचता था ये क्या कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते वक्त जब वे लोगों के बीच आते तो मुझे एक रोशनी दिखाई दी। उनके सामने उस रोशनी में आता हुआ एक हाथ दिखाई दिया। तब मुझे लगा इनमें ईश्वर की शक्ति है, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, ईश्वर ने इन्हें बनाया है। ऐसे समझकर अगर ये एक बार मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो मेरा शुगर SLE निकल जाएगा। परसों हरिहरा कला भवन में मुझे चांस मिला। लास्ट थर्सडे उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, उसके तुरंत ही कुछ अद्भुत हो गया। ऐसे सोचकर कल ही मैं ब्लड टेस्ट करवाया। 20 साल से जो शुगर था वो नॉर्मल आ गया। SLE ये जो बीमारियों में एक कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रेशर नील आ गया। यीशु मसीह को, श्याम किशोर पास्टर को धन्यवाद। The viewers in the name of Jesus Christ. सारे दर्शकों को यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवंदन करता हूं। I know that you are being benefited from the daily study of the word of God. और हम जानते हैं कि आपको दैनिक अध्ययन के द्वारा आशीष मिल रही है। We've been meditating every chapter right from Matthew. और मत्ती से हर एक अध्याय को हम मनन कर रहे हैं। We've been meditating from chapter 1 and right now we are in Matthew chapter 7. और पहले अध्याय से मनन करते हुए अभी 7वें अध्याय तक हम पहुंचे हैं। And in the last episode, और पिछले एपिसोड में, we have learned that we should not only just hear but also follow. हमने सुना है कि केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन हमें उसके पीछे हो लेने वाले बनना है। We should be good listeners and also doers of the word of God. और अच्छे सुनने वाले और परमेश्वर के वचन करने वाले भी होना चाहिए। And those who preach the word should also be preachers and doers of the word of God. और जो वचन को प्रचार करते हैं वे प्रचार भी करना और उसके करना अनुसार करने वाले भी होना चाहिए। The Bible says if they are not doers, don't follow them. और बाइबल कहता है कि अगर वैसे करने वाले नहीं रहे तो उनके पीछे ना हो लो। And the Bible says they are false prophets. और बाइबल में कहा है कि वो झूठे नबी हैं। They look good, they talk good, but inside they are ravening wolves. वो दिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, लेकिन अंदर से जो है फाड़ देने वाली भेड़िया हैं। Now the Lord is also filtering some anointed men of God. और अभी परमेश्वर भी जो अभिषिक्त दासों को भी जो है छांटता है। Who has done some mighty miracles, signs and wonders? जिन्होंने बड़े चिन्ह चमत्कार को किए हैं। Let's turn to that scripture. क्यों ना हम उस वचनों को देखें? Let's read from verse 21 and 22 of Matthew chapter 7. और 22 वचन मत्ती 7 का। Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. जो मुझसे
हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। In verse 22, और 22 वायद, Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? And in thy name have cast out devils? और तेरे नाम में दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? And in thy name done many wonderful works? और तेरे नाम में आश्चर्य कर्मों को नहीं किया? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, you that work iniquity. तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी भी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। How can the people who did so many mighty things in the name of Jesus can be rejected in the kingdom of God? तो किस प्रकार से परमेश्वर के नाम में इतने महान कार्य किए वाले लोगों को नकारा जा सकता है? The Bible says, among those people who are rejected in the kingdom are those who manifested the power of God in the name of Jesus on this earth. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नकारे गए लोग हैं वो लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं. Among those are people who prophesied on the name of Jesus. और वे वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी किए हैं. And those people who cast out demons in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को भगाए भी हैं. And they did many wonders In the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए हैं. They must have done all these things for the lust of money. और उन सब लोगों ने जो है पैसे की वासना के लिए किए होंगे. Or they must have done for their own glory. या खुद की महिमा के लिए वो किए होंगे. Or they must have done for the benefit of the society. या खुद की या तो समाज का लाभ के लिए किए होंगे. Or they must not have loved the Lord. या उन्होंने परमेश्वर से प्रेम न किया होगा. Or they must not have loved their enemies. या न तो उन्होंने अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं किया होगा. Or they have been hypocrites. या वो ढोंगी होंगे. We can even be cheated if we don't follow even one commandment. अगर हम जो है परमेश्वर के एक भी आज्ञा का पालन ना करें तो हम धोखे में जा सकते हैं. Disobedience in one commandment can make us disobedient in two commandments, three commandments, and slowly it can lead us to complete disobedience. एक आज्ञा का न पालन करना जो है दूसरे का तीसरे का और ऐसे सभी आज्ञाओं का पालन न करने में हमें ले चलेगा. So God wants us to follow all the commandments. तो परमेश्वर चाहता है कि हम सारे आज्ञाओं का पालन करें. Some people will misquote this verse. और कुछ लोग जो है इस वचनों को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं. They will use this verse to blame people who are doing miracle signs and wonders in the name of Jesus. वे लोग जो है दूसरों पर दोष लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं चिन्ह और चमत्कार करने के लिए. These are those people, those who know the word, but they don't have the power to do these miracles. They blame others. Those who do this miracle. और वे लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास सामर्थ्य नहीं है यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार करने का, जो करते हैं उन पर ऐसा दोष लगाते हैं. But Jesus says, if you do the miracle signs and wonders, and if you also keep the commandments, you will enter into the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर चिन्ह चमत्कार आप करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करते हैं, तब स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करेंगे. Whatever, whether you preach or you perform the miracles, You are supposed to follow what you preach or what you listen. कुछ भी क्यों ना रहे आप प्रदर्शन करते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य का या उसके वचनों का पालन करते हैं करना चाहिए. Because faith can be operated only through love. क्योंकि विश्वास जो है केवल प्रेम के द्वारा ही कार्य करता है. We can see the 12 disciples of Jesus Christ. हम देख सकते हैं यीशु मसीह के 12 शिष्य. Jesus gave them power to do many miracles, signs and wonders. और यीशु मसीह ने उन्हें सामर्थ्य दिया कि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार कर सके. He gave all the 12, he gave them power to heal the sick and cast out demons. और उसने सारे 12 शिष्यों को जो है सामर्थ्य दिया कि वो रोगियों को चंगा करे और दुष्ट आत्माओं को भगा सके. 11 of them were faithfully doing those works. और 11 लोग जो है विश्वास से उस कार्य को कर रहे थे. And the 12th disciple, और 12वां शिष्य, Judas was also doing these things. Judas Iscariot भी यही काम कर रहा था. But he was stealing money on the other side. परंतु दूसरे भाग में वो जो है पैसों को चुरा रहा था. He was even planning to sell Jesus for money. और यहाँ तक कि वो यीशु मसीह को बेचने का भी योजना कर रहा था. But he could cast out the demons. परंतु वो शैतानों को भगा सकता था. He could heal the sick. वो बीमारियों को चंगा कर सकता था. But he was
even planning to sell Jesus for some money. और यहाँ तक कि वो यीशु मसीह को बेचने का भी योजना कर रहा था कुछ पैसों के लिए. So you cannot blame all the 11 disciples for doing miracles, signs and wonders. तो आप सारे 11 शिष्यों को जो है दोष नहीं लगा सकते चिन्ह चमत्कार करने के वजह लिए. Jesus is the one who gave them the power to do those miracles. और यीशु ही वह है जो उन्होंने सामर्थ्य दिया कि वो चिन्ह चमत्कार करे. So it happens that you can be a hypocrite and you can do signs and wonders. So ऐसा हो सकता है कि वे ढोंगी रहे और चिन्ह और चमत्कार करते हों. Or you must have been faithful in the beginning, or you must have fallen in the midst. और शायद हो सकता है कि शुरुआत में विश्वसनीय रहे और बीच में गिर गए. But sometimes the Lord is a man of character and integrity. परंतु परमेश्वर जो है स्वभाव और अच्छे विश्वास के व्यक्ति को देखता है. You know the Lord Himself is a man of character and integrity. और परमेश्वर स्वयं ही जो है वफादारी और अच्छाई का परमेश्वर है. And he has a nature that when he gives, he will not take it back. और उसके पास वो स्वभाव है कि वो एक बार जब देता है तो फिर से लेता नहीं. Sometimes he will not take the gifts that he has given. और कुछ बार ऐसे तोहफे दिए हुए तोहफों को फिर से लेता नहीं है. And man takes advantage of that and he misuses that power and authority. और मनुष्य जो है उन चीजों का लाभ उठाता है और गलत इस्तेमाल करता है उस सामर्थ्य का और अधिकार का. So when God gives you power and authority, you surrender to him. और जब परमेश्वर जो है आपको सामर्थ्य अधिकार देता है तो अपने आप को समर्पित कर दे. If you got a gift of healing, you surrender to Jesus and do according and operate that gift of healing according to his will. अगर आपको परमेश्वर ने चंगाई का सामर्थ्य दिया है तो उसको उस दान को सही तरीके से इस्तेमाल करे परमेश्वर की इच्छा अनुसार. Don't use the gift given by God according to your will. अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल ना करें. You cannot use it for raising money or for deceiving others or for preaching false truths. पैसे निकालने में और जो है दूसरों को फंसाने में यानी तो झूठाई झूठ बोलने के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. And that will lead to the kingdom of hell. और वो जो है नरक के राज्य में ले चलेगा. And that's what the Bible says in verse 24 and 25. और 24 और 25 आयत में यही शास्त्र में लिखा है. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. इसीलिए जो कोई मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाता है. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not. For it was founded upon a rock. और मेह बरसा और बाढ़ आई आंधिया चली और उस घर को टकराई फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि वह नींव उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी. God is revealing that he want to test everyone. और परमेश्वर यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि वह हर एक को जो है परखना चाहता है. If you are reading the word and living your own life, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और खुद का ही जीवन जी रहे हैं, God will test you whether you are following it or not. और परमेश्वर जो है आपको परखेगा कि आप उसका पालन कर रहे हैं या नहीं. The Bible says, if you are following what you are hearing, your foundation is on rock. और बाइबल में लिखा है कि अगर आप उसका वचन का पालन कर रहे हैं जो आप सुन रहे हैं तो आपका जो नींव है चट्टान पर डाली गई है. And when God tests you, you will not fall. और जब परमेश्वर परखता है तो आप गिरोगे नहीं. You will be strong. आप बलवान रहोगे. And in verse 26 and 27, the Bible says, और 26 और 27 में कहा गया है, and everyone that heareth these sayings of mine and doth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. परंतु जो कोई मेरे इन बातों को सुनते हैं और उन पर नहीं चलते वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपने घर बालू पर बनाए. And the rain descended and the floods came and the winds blew and beat upon that house and it fell and the great was the fall of it. और मेह बरसा और बाढ़ आई आंधिया चली और उस घर की को टकराई वह गिर कर सत्यानाश हो गया. So it reveals that तो ये प्रकट करता है, you can build your house or you can live your life by keeping the commandments or by not keeping the commandments. आप अपने घर को बांध सकते हैं, आप अपना जीवन जी सकते हैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा या न करने के द्वारा. एंड योर लाइफ will be tested. और आपका जीवन को परखा जाएगा. You have to give account of every day of your life. आपको अपने जीवन का दैनिक हिसाब किताब देना होगा. This life is given to you by God. आपको ये जीवन जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया है. You have to live this life according to the word of God. आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ये जीवन जीना है. Which is God's will. जो परमेश्वर की इच्छा है. Not according to your will. अपने खुद की इच्छा के अनुसार नहीं. If you can also live with your will on this earth, आप इस पृथ्वी पर अपने खुद की इच्छा से भी जी सकते हैं. You will prosper. आप जो है उन्नति प्राप्त करते हो. A person who is reading the word and
following the commandments, he will also prosper. जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके आज्ञाओं का पालन करता है वो भी उन्नति प्राप्त करेगा. Sometimes you don't see difference between these two. कुछ समय जो है आप दोनों के बीच में अलगाव को नहीं पहचानेंगे. One who don't follow, he prospers. जो परमेश्वर के पीछे नहीं जाता वो भी उन्नति प्राप्त करता है. And one who follows, he also prospers. और जो उसके पीछे जाता है वो भी उन्नति प्राप्त करता है. But the difference is one who follows builds his foundation on a rock. परंतु अलगाव यह है कि जो उसके पीछे हो लेता है वो अपने नींव को चट्टान के ऊपर बांधता है. And the one who is prospering and not keeping the commandments is like the one who builds his foundation on the sand. और जो उसके पीछे नहीं चलता है और उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करता है वो इस प्रकार है जो रेत पर अपने घर को बांधता है. And how he lived his life, he will be wasting his time. और वो किस तरह से अपना जीवन जिया है कि अपने समय को व्यर्थ कर देता है. And he will be punished. और उसका शिक्षा मिलेगी उसे. The Bible says, "Great is the fall of that house which built on sand." और बाइबल में लिखा है कि कितना भयंकर है वो गिरना रेत पर बांधा गया घर है. So you cannot keep the commandments of God and you can still prosper and live your life. तो आप जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते बिना और अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकते. You may be thinking that nothing is happening. आप सोचते होंगे कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है. You know the other guy is keeping the commandments and I am not keeping and nothing is happening to both of us. और दूसरे व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं लेकिन मैं तो नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे हम दोनों को कुछ भी नहीं होता है. There is no difference between the person who is keeping the commandments and the other person not keeping the commandments. और कोई अलगाव नहीं है जो परमेश्वर का वचन का पालन कर रहा है हो या नहीं कर रहा हो. Why lose our freedom in keeping the commandments? तो क्यों हमारी आजादी को हम खो बैठे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके. Why restrict the lusts of the world? तो क्यों हम जो है दुनिया की वासना को हम सीमा में डाल दें. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we have to give account to Jesus Christ. हमें जो है यीशु मसीह को हिसाब देना है. For every work that we do on this earth, हर एक काम जो हम इस पृथ्वी पर करते हैं, we need to submit to Him. हमें अपने आप को समर्पित करना है. And He will see whether you are built on a stone or on a sand. और वो देखेगा कि आप जो है चट्टान पर बांधे गए हैं या रेत पर. So you cannot neglect this word of God. तो आप इस परमेश्वर के वचन को निकाल नहीं सकते. You need to take it as a serious business. और आपको ये जो बहुत गंभीरता से ले लेना है. This will surely bless you here on this earth. और जरूर ही आपको इस पृथ्वी पर आशीष करेगा. And bless you in the coming kingdom. और आने वाले राज्य में भी आशीष करेगा. And let's read some more verses. और कुछ और हम वचन पढ़ें. Of Matthew chapter 8. मत्ती 8. When he was come down from the mountain. जब वह पहाड़ से नीचे उतरा. Great multitudes followed him. एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. And behold, there came a leper. और देखो एक कोढ़ी उसके पास आकर. And worshipped him, saying. उसे प्रणाम किया और कहा. Lord, if thou will, thou can make me clean. हे प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है. Here a leper encountered Jesus Christ. और यहाँ पर एक कोढ़ी उसके सामने आ पड़ता है. And the problem with the leper is he doesn't knew Jesus. और कोढ़ी का यह समस्या है कि वो यीशु मसीह को नहीं पहचानता. But he know that he is a healer. परंतु वो जानता है कि वो चंगा करने वाला है. He has power to heal. उसके पास सामर्थ्य है चंगाई देने का. And he is the son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र है. But he lacks no knowledge of Jesus. और उसको परमेश्वर के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं है. So he is asking him. तो उससे मांगता है. Lord, if thou will, thou can make me clean. प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है. He is asking, Jesus, will you heal me? वो कहता है कि क्या यीशु तू मुझे शुद्ध कर सकता है? Am I allowed to get healing from you? क्या मैं तुझसे चंगाई प्राप्त कर सकता हूँ? And in verse 3, Jesus says. और तीसरे आयत में यीशु कहते हैं. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा. और तुरंत कोढ़ से वो शुद्ध हो गया. So if you want to know, if you want to take advantage of the power of Jesus Christ, अगर आप जो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का लाभ उठाना चाहते हैं. If you want to receive healing from him, अगर आप उससे जो है चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, you need to know his will. तो आपको उसकी इच्छा को जानने की जरूरत है. Here the leper doesn't know the will of Jesus. तो यहाँ पर यीशु मसीह का इच्छा के बारे में वो कोड़ी जानता न था. So he is asking him. तो वो उससे पूछता है. Lord, will you heal me? प्रभु क्या तू मुझे चंगा करेगा? And Jesus said, I will. और यीशु ने कहा मैं जरूर. So how can we know that Jesus will do this in our life or that in our life? और किस तरह से हम जान सकते हैं कि यीशु हमारे जीवन में ये करेगा या वो करेगा? We can know the will of God by the word of God. हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं उसके वचन के द्वारा. So by reading this verse, और ये वचनों को पढ़कर, you will know that Jesus want to heal you. आप जानेंगे कि यीशु मसीह आपको चंगाई देना चाहता है.
और जो कोड़ी है उसको बीमारी आई होगी क्योंकि उसने कुछ पाप किया हो. So he was feeling guilty. तो उसे जो है अंदर से जो है ऐसा पापी महसूस हो रहा था. He knows that he got this leprosy because of his past sins. और उस जानता है कि उसके पिछले पापों की वजह से उसे ये कोड़ आया है. So he thought that Jesus would condemn him for the sin. तो उसने सोचा कि यीशु मुझ पर दोष लगाएगा मेरे पापों की वजह से. But when he came to know that Jesus will heal. परंतु जब वो जान चुका कि यीशु उसे चंगाई देगा. He was shocked to know. और वो जानकर अचंभा हो गया. There is one more message that you get from this message. एक और जो है आपके लिए संदेश है इस संदेश के द्वारा. That Jesus is also a forgiver. यीशु माफ करने वाला है. And he is also operating this healing gift in love. और ये जो चंगाई का दान वो प्रेम में कार्य करता है. He did not come to condemn our sin. वो हमारे पापों पर दोष लगाने नहीं आया. Because he is going to die on the cross. इसलिए कि वो क्रूस पर मरने गया. And shed all of his blood. और सारे लहू को बहा दिया अपना. To take away the sin. और सारे पापों को निकाल दिए. So by love he is healing him. तो उसे प्रेम से वो चंगा करता है. So we need to follow God with love. तो हमें प्रभु के पीछे पूरे प्रेम से चलना है. And the Bible says God is love. और बाइबल में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर प्रेम है. And to know His will, you need to know the Word of God. तो उसकी इच्छा को जानने के लिए उसके वचन को जानने की ज़रूरत है. That's the reason why I would encourage you to daily come and listen to this Word. और इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ कि रोज आप इस प्रोग्राम में देखें. I'll be coming on this slot every day. और इस जगह पर मैं जो है हर समय हर दिन आऊँगा. At the same time. और इसी वक्त में. So spare time to meditate and learn the word of God. तो अपने समय को बचाए और हमारे साथ सीखे परमेश्वर के वचन को. And know God's will. और परमेश्वर की इच्छा को जाने. So that you can take advantage of what He has provided for us in the cross. ताकि आप उसका लाभ उठा सके कि उसने क्या हमारे लिए क्रूस पर दे चुका है. Now let us pray. तो क्यों ना हम आज प्रार्थना करें. Wherever you're sick, put your right hand. जहां कहीं आपको बीमारी है अपने दाहिने हाथ को रखे. God is going to heal you. और परमेश्वर आपको चंगाई देगा. Because Jesus loves you. इसलिए कि यीशु प्रेम करता है. And he's already forgiven all your sins. और आपके सारे पापों को उसने माफ किया है. So your sin cannot stop the healing. तो आपकी पाप जो है आपके चंगाई को रोक नहीं सकता. Your sin is washed away by the blood of Jesus on the cross. आपके पाप जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्रूस में धुलाए गए हैं. So today his mercy is healing you. तो आज उसका अनुग्रह आपको चंगाई दे रहा है. He's omnipotent God who will come to your place and touch you and heal you as you agree with me in this prayer. और सर्वसामर्थी परमेश्वर आपके जगह पर आएगा और आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा जैसे आप मेरे साथ प्रार्थना में सहमत होते हैं. And he's going to turn that sickness into testimony. और वो आपकी बीमारी को जो है गवाही में बदल देगा. As he healed this leper. और जिस तरह से इस कोड़ी को उसने चंगा दिया. So let's agree in prayer. चलो हम प्रार्थना में सहमत हो जाए. Father, in the name of Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम. Lord, give us strength. हमें सामर्थ्य दे. So that we can follow what we learn. ताकि हम पीछे वाले जो हमने सिखा है उसको करने के लिए. Lord, give us strength to know the word. हमें बल दे कि हम तेरे वचनों को जान सके. So that we can know thy will. ताकि हम तेरी इच्छा को जान सके. So that we can ask thee according to your will. ताकि हम जो है तेरी इच्छा के अनुसार चल सके. Lord, we thank you for forgiving our sins. पिता हम धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए. Lord, you have forgiven all the sins of the viewers they are watching now. और सारे दर्शकों के पापों को भी तूने क्षमा किया है जो अभी देख रहे हैं. Right now, touch them and heal them. और इसी वक्त जो है उन्हें छू और स्पर्श कर. Let every pain come out of their bodies. हर एक दर्द उनके शरीर में से निकल जाए. Every sickness come out of their bodies. हर एक बीमारियां निकल जाए उनके देह में से. Every abnormal results come to normal. हर एक जो है abnormal जो है वो सर्वसाधारण हो जाए. Heart problems to be healed. जो हृदय की समस्याएं चंगा हो जाए. Lung problems and kidney problems to be healed. फेफड़ों और किडनियों की समस्या चंगा हो जाए. Problems in liver and other parts of the stomach to be healed. फेफड़ों और जो lungs के problems जो समस्याएं चंगा हो जाए. I command cancer to come out of the body. मैं कैंसर को यीशु मसीह के नाम से निकलने को कहता हूँ. AIDS to come out of the body. AIDS को बाहर निकलने को कहता हूँ. Thyroid to come out of the body. Thyroid को बाहर निकलने को कहता हूँ. I command deaf ears to open. और जो है बहरे कान खुल जाए. Dumb mouth to speak. और जो गुंगा मुंह खुल जाए. Headaches and migraine to come out. और migraine और सर दर्द निकल जा. Every skin diseases to be healed. हर एक त्वचा की बीमारियां निकल जाए. I command barren wombs to open. और एक भांज जो जो कोंके खुल जाए. Arthritis to be healed. Arthritis चंगा हो जाए. Every disease from head to toe be healed in Jesus' name. हर एक बीमारी जो सर से लेकर पैरों तले है यीशु के नाम से चंगा हो जाए. I command every debt to be cleared. हर एक जो है कर्ज साफ हो जाए. I release a blessing on everyone who is listening to this prayer. और ये प्रार्थना को जो कोई सुन रहे हैं सबों पर मैं आशीष को छोड़ता हूँ. I declare complete healing on everybody. मैं पूरी चंगाई को घोषणा करता हूँ. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. He loves you just because.
because he loves you, just because he loves you. मेरा नाम ललिता है. मैं 20 साल से साइनस प्रॉब्लम से परेशान थी. मैं कुछ कह नहीं पाती थी. मैं श्याम किशोर पास्टर जी के प्रार्थना सुनती थी. मेरे साइनस प्रॉब्लम जड़ के साथ निकल जा, यीशु के नाम से आज्ञा करती हूँ कह के प्रवचन किया. तब से मेरा साइनस प्रॉब्लम पूरी तरह से चंगाई हुई है. यीशु को धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम धन्य ज्योति है. मैं मलकाजगिरी से आती हूँ. लास्ट 1 ईयर से हम JCNM को आ रहे हैं. आज संडे प्रेयर में पास्टर जी ने कहा, जिसको आईसाइट है वो लोग पानी या कर्चिफ आंखों पे लगाइए. तब मैं पूरे विश्वास के साथ आंखों पे लगाई. मैं 26 साल से स्पेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ. स्पेक्स नहीं तो मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देता, मगर पास्टर जी प्रेयर करने के बाद मुझे साफ दिखाई दे रहा है. फेसेस भी ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं होते थे. आज मैं पूरा दिन बिना स्पेक्स के आराधना में बैठी हूँ. मेरे बगल में बैठे हुए लोगों के बाइबल भी पढ़ पा रही हूँ. इस चंगाई देने के लिए ईश्वर को मेरा धन्यवाद. श्याम किशोर पास्टर जी को मेरा धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम सोफी है. मैं यहाँ JCNM को 2011 से आ रही हूँ. यहाँ प्रेयर और वाक्य सुनती थी और पास्टर जी प्रार्थना करते वक्त सबको मिरेकल तरीके से उनका समस्या हल कर रहे थे. उस वक्त मैं भी प्रेयर कर रही थी, हे प्रभु हमें एक अपना घर चाहिए. तो कुछ दिनों के बाद ईश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें घर दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद. हर रविवार हमारे आराधना और स्वास्थ्य प्रार्थना. हमारी पहली तेलुगु आराधना क्रिस्टल गार्डन्स मेहदीपट्टनम, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक. हमारा पता है क्रिस्टल गार्डन्स रिंग रोड गुडीमलकापुर मेहदीपट्टनम हैदराबाद. हमारी दूसरी तेलुगु आराधना श्री लक्ष्मी साई गार्डन्स मलकाजगिरी, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक. हमारा पता है श्री लक्ष्मी साई गार्डन्स अनुटेक्स मेन रोड ZPH स्कूल के सामने बाश्यम स्कूल के पास मलकाजगिरी सिकंदराबाद. हमारी तीसरी आराधना VBR गार्डन्स अलवाल में, शाम 6 बजे से 8 बजे तक. हमारा पता है VBR गार्डन्स अंबेडकर नगर रोड इंदिरा गांधी मूर्ति के पास ओल्ड अलवाल सिकंदराबाद. आपकी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं. हमारे नंबर है 9701990096, 9701990097, 9701990098. अधिक जानकारियों के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं 0404747484848. हमारा पता है केश्याम किशोर, पोस्ट बॉक्स नंबर 85, खैरताबाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश इंडिया, पिन कोड 500004.